गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं आपके लिए यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए मैप प्रैक्टिस के क्वेश्चन। और साथ ही साथ ये मैप प्रैक्टिस के क्वेश्चन जो हैं ये बर्ड ज्योग्राफी के बेस्ड हैं, यानी कि आप किसी छोटे मोटे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी ये आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कुछ लोगों के मन में प्रश्न ये उठ रहा होगा, सर आपने इकोनॉमी अब रुकवा दी। देखिए, इकोनॉमी मैंने करीब आधी आधी कवर कर ली है और मेरे पास अब रिक्वायरमेंट ये आने लगी, कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट और एडवाइस ये आई, सर आप इकोनॉमी जो है वो सभी स्टूडेंट जो है लाइक नहीं कर रहे हैं, यानी कि जिस हिसाब से पढ़ना चाहिए उस हिसाब से पढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि अभी कुछ और एग्जाम भी आने वाले हैं, जैसे कि आपके यूपी में बीडीओ का एग्जाम है, अन्य एग्जाम भी हैं, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो इकोनॉमी में इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो सर आप क्यों ना हो जो आपका वो पोर्शन बचा हुआ है बर्ड ज्योग्राफी और मैप प्रैक्टिस वाला वो करवा दें। तो यही देखते हुए मैं आपके लिए मैप प्रैक्टिस का वीडियो लेकर आ रहा हूँ। देखिए, इससे पहले मैं मैप प्रैक्टिस के 7 वीडियो ला चुका हूँ, यानी टेस्ट 7 टेस्ट ला चुका हूँ। आज यहाँ पर टेस्ट नंबर इसका 8 लेके आऊँगा और ये यहाँ पर जो वीडियो है पूरी तरह से हिंदी में होगा। हमारा टेस्ट नंबर 8-7 से हमारा जो है हमारा चल रहा है वो यूरोप कॉन्टिनेंट चल रहा है और यूरोप कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आज टेस्ट 8 स्टार्ट होगा। यहाँ पे यूरोप कॉन्टिनेंट का पार्ट 2 मिलेगा आपको। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। साथ ही साथ आप पेशेंस बनाए रखें, देखिए धैर्य बनाए रखें। देखिए कभी कभी क्या होता है कि मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ। जैसा कि अभी लगभग 4 या 5 एग्जाम मेरे 2 महीने के अंतराल में, मतलब मेरे जो कजिन्स हैं उनके 4 एग्जाम हैं इस 2 महीने के अंतराल में, यानी कि नवंबर में दिसंबर में, तो इस वजह से मुझे उन्हें भी देखना पड़ रहा है, इस वजह से मैं चैनल को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। इसका मतलब ये ना समझे आप कि मैंने चैनल छोड़ के चला गया हूँ, चैनल छोड़ के मैं कहीं नहीं गया हूँ। मैं अपना वादा पूरा करूँगा और आपके लिए मैं प्रॉपर वे में, यानी कि हम लोग जनवरी से मैं स्टार्ट कर दूंगा करंट अफेयर्स, जनवरी से लेके मई तक मैं आपका करंट अफेयर्स वाला पोर्शन जो होगा वो यूपीएससी परीक्षा के लिए वो भी एकदम स्ट्रॉन्ग करवा दूंगा। तो आप बिल्कुल दिक्कत ना लें, परेशानी ना लें कि सर कहीं चले गए। देखिए मैं अपना कमिटमेंट पूरा करूंगा, मैंने जितना कहा था उतना कमिटमेंट पूरा किया। आपके लगभग 5 सब्जेक्ट आज पूरे हो चुके हैं, यानी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो 5 सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज थी वो आपको चैनल पर अवेलेबल है। साथ ही साथ 1-2 सब्जेक्ट की रह गई हैं, जैसे कि इकोनॉमी अब मैंने आधी करवा दी, अब आधी के बाद स्टॉप कर दी। तो जब हमारी बर्ड ये मैप प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम इकोनॉमी भी कंप्लीट कर लेंगे, और आई थिंक उसके सब ये सब कंप्लीट होने के बाद फिर मैं सोच रहा हूँ कि एक एक सब्जेक्ट करके क्यों ना पूरे पूरे नोट्स के फॉर्म में तैयार करवाया जाए, यानी कि चाहे हिस्ट्री उठाई जाए या फिर कोई एक सब्जेक्ट उठाया जाए जो कि एक नोट्स के फॉर्म में, यानी कि आप अपने नोट्स मेंटेन कर सकें, जिससे तो आपको दिक्कत ना हो, भटकना ना पड़े, तो वो भी मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज़ पेशेंस बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें और साथ ही साथ चैनल से जुड़े रहें, मुझसे जुड़े रहें, और आगे आने वाले भविष्य में आई होप कि हम दोनों लोग मिलकर कुछ बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपने यूरोप कॉन्टिनेंट, और यूरोप कॉन्टिनेंट का हमारा पार्ट नंबर है बी। ये रहा हमारा यूरोप कॉन्टिनेंट और यूरोप कॉन्टिनेंट में हमारा पार्ट है बी। और देखिए यूरोप कॉन्टिनेंट में 1-11 क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो यानी टेस्ट नंबर 7 में करवा चुका हूँ, तो यहाँ पर स्टार्ट होगा हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 12 से। ठीक है, देखिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको, बर्ड ज्योग्राफी के सारे लिंक दे दूंगा, तो आप जाके आराम से वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। वैसे तो तरीका भी है, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में मैंने इंडिविजुअली इंडिविजुअली सबकी अलग अलग डाल रखी है, यानी कि आपको बर्ड ज्योग्राफी से लेकर हर चीज़ की इंडिविजुअली अलग अलग मिल जाएंगी, लेकिन फिर भी मैं लिंक दे दूंगा नीचे, तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा है क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि इससे पहले का मैं पार्ट ला चुका हूँ टेस्ट नंबर 7 के अंतर्गत। तो यहाँ पर यह पूछा गया है कि यूरोप की फिनो स्कैंडिनेवियन शील्ड के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यानी फिनो स्कैंडिनेवियन शील्ड जो है इसके संदर्भ में विचार करना है, ये क्या कहाँ पे पड़ती है। देखिए पहले तो हम जान लेते हैं फिनो स्कैंडिनेवियन शील्ड है कौन सी है। देखिए पहला इसमें कमेंट है, ये कथन है कि यह यूरोप के उत्तर पश्चिमी उच्च भूमियों के उत्तर में स्थित है। देखिए पहला वाला कमेंट यहाँ मतलब कथन जो है बिल्कुल सही है कि जो ये यूरोपियन जो फिनो स्कैंडिनेवियन शील्ड है ये यूरोप के उत्तर पश्चिमी उच्च भूमियों में के उत्तर में स्थित है, तो पहला वाला कथन बिल्कुल सही है यहाँ पे। और इसके बाद सेकंड वाला जो कथन है वो है इस क्षेत्र में अवसादी चट्टानों से संबंधित जीवाश्म जैसे ईंधन कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के बृहद भंडार हैं। देखिए इस शील्ड में जो ये है ये एक उधड़ी हुई शील्ड है, यानी कि यहाँ
जो चट्टाने हैं एक तरह से उसमें जीवाश्म ईंधन इतना नहीं है, मतलब चट्टाने जो है वो हिमानियों से ढकी पड़ी हैं और इनमें धात्विक खनिज लोहा और तांबा काफी मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि कोयला, प्राकृतिक गैस और ये सब चीजें इसमें उपलब्ध नहीं है। यानी कि जो ये सील्ड है, यानी कि फिनो स्कैंडिनेवियन सील्ड है, अगर आपने इकोनॉमिक आर्थिक भूगोल पढ़ा है तो आप जानते होंगे, इसमें केवल लोहा और तांबा की प्रचुरता है, जो आपका जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल जो फ्यूल है, ये इसमें नहीं है। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा, यानी कि केवल पहला ही वाला सही होगा, उत्तर पश्चिमी उच्च भूमियों के उत्तर में स्थित है। अब देखिए, चलिए हम आपको मैप से दिखा ले रहे हैं कि कहाँ पड़ रहा है। देखिए, ये रहा हमारा ग्लोब, ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहां से हम चलेंगे भारत के पूर्व में चलेंगे। देखिए, ये मैंने बताया था आपको पहले, मैं जब पढ़ा चुका हूं मैं ज्योग्राफी, तो मैंने बताया था ब्लैक सी, कैस्पियन सी और ये यूराल पर्वत, ये जो हैं, ये तीन चीजें जो हैं, ये यूरोप को एशिया से अलग करती हैं। ये आपका आ गया यूरोप वाला पोर्शन। ठीक है, ये जो आप कंट्री देख रहे हैं, ये यूरोपियन कंट्री है। अब यूरोप का आप यहां से अगर देखेंगे तो यहां से उत्तर पश्चिम वाला, यानी उत्तर यानी ऊपर की तरफ और पश्चिम यानी इस तरफ, ये वाला हिस्सा, ठीक है, इसमें आते हैं ये फिनो स्कैंडिनेवियन सील्ड में फिनलैंड, यानी कि ये पोर्शन आता है, ये फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और यूनाइटेड किंगडम का पूरा हिस्सा, मतलब आयरलैंड सहित, और इधर आइसलैंड, ये पांच देश जो हैं ये इसमें आते हैं, यानी कि स्वीडन, नॉर्वे, ब्रिटिश द्वीप समूह और आइसलैंड, ये पांच द्वीप समूह इसमें आते हैं, यानी उत्तर पश्चिमी जो आपका उच्च भूमियां हैं इसमें आते हैं, यानी इसे फिनो स्कैंडिनेवियन सील्ड बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए यहां पे केवल पहला वाला कथन सही है, तो यहां आंसर है केवल एक, तो यह आंसर है केवल एक। अब आते हैं 13 पर। 13 है हमारा, यूरोप के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यहां पे बताइए कौन से कथन सही हैं। पहला है राइन और सीन नाव्य नदियां, यानी नाव्य नदियों का मतलब होता है जिसमें नौ संचालन आराम से किया जा सके, और जो राइन और सीन ये नाव्य नदियां हैं जो यूरोप के उत्तरी मैदान से होकर गुजरती हैं। देखिए, जो राइन और सीन जो नदियां हैं ये यूरोप के उत्तरी मैदान से होकर बहने वाली एक नौका, यानी नौका बहन वाली एक नदियां हैं, राइन और सीन। अब मैं मैप में दिखाना चाहूंगा आपको दोनों ये नदियां राइन और सीन के बारे में। देखिए, ये रहा ग्लोब, अब मैं इसे जूम कर रहा हूं। देखिए, राइन जो नदी है ये जर्मनी की नदी है, प्रमुख रूप से जर्मनी की नदी है राइन नदी, आप याद रखिए जर्मनी की मुख्यतः नदी है राइन नदी ये वाली। अब ये जो आप देख रहे हैं चिन्ह, ये राइन नदी का ही है, ये राइन नदी ये बह रही है, देखिए ये पूरी राइन नदी है, नीचे से आ रही है, यहां से बहुत लंबी, मतलब लंबी रिवर है ये, और ये जर्मनी की नदी है, यानी जर्मनी से निकलती है, यहां से राइन नदी है, जर्मनी में से ही है, यहां से है। ठीक है, नीचे से आ रही है ये, और ये राइन नदी यहां पर ऊपर ही हम चलेंगे, राइन नदी जो अपना मुहाना है, यानी कि राइन नदी का जो मुहाना है, ये मुहाना अपना जो बनाती है राइन नदी, वो बनाती है ऊपर की तरफ, यानी कि उत्तरी सागर में अपना मुहाना बनाती है, जो उत्तरी सागर जो है यानी कि नॉर्थ सी है, इसमें अपना मुहाना बनाती है राइन नदी। ठीक है, ये राइन नदी है जो कि जर्मनी की रिवर है, राइन नदी आप देख पा रहे होंगे, ये राइन रिवर है, जर्मनी की रिवर है, ये यहां से चलती चली गई है और ये जाके यहां पे उत्तरी सागर में अपना जो है मुहाना बनाती है राइन नदी, उत्तरी सागर में ऊपर जाके अपना ये मुहाना बनाती है यहां पे, इस ये जो उत्तरी, ये ऊपर वाला हिस्सा जो है उत्तरी सागर का हिस्सा है ये। ठीक है, ये उत्तरी सागर का हिस्सा है, नॉर्थ सी वाला हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा जो बोला जाता है नॉर्थ सागर का, नहीं उत्तरी सागर का हिस्सा बोला जाता है। देखिए, अब आते हैं सीन नदी पर। सीन नदी जो है वो फ्रांस की मुख्यतः नदी है। ठीक है, राइन नदी जो थी जर्मनी की थी और सीन जो है फ्रांस की है, और देखिए ये यहाँ पे फ्रांस पेरिस के पास यहाँ से पड़ती है ये। ठीक है, ये आपकी सीन नदी है, ये सीन रिवर है। देखिए, मैं ज़्यादा जूम नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इतना मेरा कनेक्शन फास्ट नहीं है ये। और सीन नदी जो अपना मुहाना बनाती है, सीन नदी अपना मुहाना बनाती है इंग्लिश चैनल में, ये आप देख रहे होंगे, ये इंग्लिश चैनल जो है ये पड़ता है आपका यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच में पड़ता है ये चैनल, यानी कि काफ़ी बार पूछा भी जाता है कि यूके और फ्रांस के मध्य कौन सा चैनल है, ये चैनल क्या होता है, सकरे समुद्र को हम चैनल बोलते हैं, यानी कि जो समुद्र सकरा होता है उसे हम चैनल बोलते हैं, जैसे हमारे भारत में 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री चैनल जैसे हैं हमारे यहाँ, उसी तरह ये जो यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच में जो चैनल है यानी सकरा समुद्र है, इसे इंग्लिश चैनल बोलते हैं। और जो सीन नदी है ये फ्रांस से निकलती है, यानी फ्रांस की नदी है, ये इंग्लिश चैनल में अपना जल गिराती है। ठीक है, यानी कि राइन नदी अपना जल कहाँ गिराती है, राइन नदी गिराती है ऊपर, यानी कि यहाँ पर इस तरफ गिरा रही है, ये गिरा रही है किसमें, नॉर्थ सी में, और सीन नदी गिरा रही है, जो गिरा रही है वो अपना इंग्लिश चैनल में गिरा रही है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। देखिए,
पहला वाला यहाँ पे कथन बिल्कुल सही है कि राइन और सीन जो है नौ संचालन की नदियां हैं, ये बिल्कुल सही है, जो कि यूरोप के उत्तरी मैदान से होकर बहती हैं, यानी कि यूरोप के उत्तरी मैदान से दोनों नदियां निकलती हैं और ये नौका संचालन वाली नदियां हैं। तो पहला वाला कथन सही है। सेकंड है, राइन नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है। देखिए मैंने अभी दिखाया था, राइन नदी इंग्लिश चैनल में नहीं गिरती है बल्कि नॉर्थ सी में गिरती है, यानी कि उत्तरी महासागर में गिरती है, नॉर्थ सी में गिरती है, ना कि इंग्लिश चैनल में। तो सेकंड वाला कथन गलत है, सीन नदी उत्तरी सागर में गिरती है। नहीं, सीन नदी मैंने दिखाया था, सीन नदी कहाँ की नदी है? सीन नदी है फ्रांस की नदी है, और सीन नदी जो है वो गिरती है इंग्लिश चैनल में। ठीक है, तो तीसरा वाला भी गलत है, क्योंकि सीन नदी उत्तरी सागर में नहीं गिरती है। चौथा है, राइन नदी अपनी दरार घाटी के लिए प्रसिद्ध है। देखिए राइन नदी जो है ये अपनी दरार घाटी प्रसिद्ध है। दरार घाटी का मतलब कि इसके साइड जो इसके किनारे पे जो है, यानी कि जहां पे निकलती है, मुहाना बनाती है, वहां पे काफी सारी मतलब कटा छटा सा तट है, तो ये दरार घाटी इसे बोलते हैं हम। तो ये राइन नदी जो है वो दरार घाटी के लिए प्रसिद्ध है। और इसके अलावा डेन्यूब, नीपर, डॉन और बोल्गा, ये सभी यूरोप की अन्य महत्वपूर्ण नदियां हैं। ठीक है, तो यह चौथा वाला कथन भी सही है। तो यह पहला चौथा कथन सही है, तो आंसर है सी, यानी केवल एक और चार। चौदहवा प्रश्न है, यूरोप की मध्यवर्ती उच्च भूमियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहां पे बताइए कौन से कथन सही सुमेल लेते हैं, यानी कि यूरोप की मध्यवर्ती उच्च भूमियों के संदर्भ में यह बताना है कौन से कथन सही सुमेल लेते हैं। देखिए पहला है स्पेन और पुर्तगाल। स्पेन और पुर्तगाल में जो उच्च भूमियां हैं उन्हें हम कहते हैं मिसेटा। ठीक है, यूरोप की जो मध्यवर्ती स्पेन और पुर्तगाल के, ये मेसेटा बोली जाती है। ठीक है, ये बोली जाती है मेसेटा। फ्रांस की मध्यवर्ती जो भूमियां हैं वो बोली जाती हैं ब्लैक फॉरेस्ट, नहीं बोली जाती हैं बल्कि बोली जाती हैं, ये बोली जाती हैं ब्लैक मैसिफ, यानी कि मध्यवर्ती फ्रांस का जो है मध्यवर्ती जो मैसिफ बोला जाता है, और जूरा पर्वत, यानी कि मध्यवर्ती मैसिफ और जूरा पर्वत, ये जो है मैसिफ और जूरा पर्वत जो है ये फ्रांस में बोली जाती है मध्यवर्ती उच्च भूमियां हैं। देखिए मध्यवर्ती उच्च भूमियां से मतलब ये क्या होता है, ये घास के मैदान टाइप भूमियां हैं। ठीक है, घास के मैदान टाइप भूमियां हैं, इन्हें उच्च भूमियां बोलते हैं। तो मैसिफ और जूरा पर्वत जो भूमियां हैं ये पड़ती हैं फ्रांस में। ठीक है, तो सेकंड वाला भी गलत है, क्योंकि सेकंड वाला इसमें लिखा है ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट फ्रांस में नहीं पड़ता है। जर्मनी जो है, देखिए जर्मनी में पड़ते हैं ब्लैक फॉरेस्ट, यानी कि काले वन जो है वो पड़ते हैं जर्मनी में, यानी ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो पड़ते हैं जर्मनी में, जबकि जर्मनी में जूरा पर्वत नहीं पड़ता है। तो तीसरा वाला कथन भी गलत हो जाएगा। यहां पे केवल पहला वाला कथन सही है कि स्पेन स्पेन और पुर्तगाल में मेसेटा उच्च भूमियां पाई जाती हैं। तो पहला वाला कथन यहां बिल्कुल सही है। ठीक है, और जर्मनी का जो ब्लैक पर्वत है, ब्लैक फॉरेस्ट, और चेक और स्लोवाक की कम ऊंचाई वाली पर्वत श्रेणियों में सम्मिलित है, यानी कि जो जर्मनी का ब्लैक पर्वत है, यानी ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो जर्मनी में पाया जाता है, ये चेक और स्लोवाक ये कंट्री है, इनके समान है, ये एकदम ऊंचाई वाली पर्वत श्रेणियों में ही शामिल है ये। अब देखिए सभी देशों का मैं क्रम दिखा दे रहा हूं, कहां कहां कौन सा पड़ रहा है। अब मैं, चलिए मैप में चलते हैं हम लोग। देखिए ये रहा आपका यूरोपन आइलैंड, आइलैंड यानी कि ये यूरोप वाला हिस्सा है हमारा पृथ्वी का। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे ये पड़ता है पुर्तगाल। ठीक है, पुर्तगाल जो है ये पुर्तगाल जो है स्पेन के मतलब पश्चिम में है, स्पेन के पश्चिम में पड़ता है पुर्तगाल, और ये अपना जो बॉर्डर है ये बनाता है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। ठीक है, पहली बात ये जान लेते हैं। अब आता है स्पेन, स्पेन पड़ता है, जो पड़ता है स्पेन का बॉर्डर जो बन रहा है वो तो नॉर्थ अटलांटिक सी से तो बन ही रहा है, यानी कि यहां तो बन ही रहा है इसका, इसके अलावा ये इसका जो बन रहा है वो बन रहा है मेडिटेरियन सी में। ठीक है, इसका जो बॉर्डर मेडिटेरियन सी से और बनता है। साथ ही साथ ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि यूरोप और जो आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है इन दोनों के मध्य कौन सी वो है, यानी कौन सी संधि है। देखिए यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने वाली जो संधि है वो है जिब्राल्टर संधि। जिब्राल्टर संधि पड़ती है स्पेन और मोरक्को के बीच, यानी स्पेन पड़ता है आपका यूरोपियन कंट्री है, और मोरक्को जो है आपका ये आपका अफ्रीकी जो है उत्तर पश्चिमी अफ्रीकी कंट्री है, यानी मोरक्को उत्तर पश्चिमी अफ्रीकी कंट्री है, और जो स्पेन जो है आपका ये आपका जो है दक्षिण पश्चिमी यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, ये इन दोनों के मध्य संधि है वो है जिब्राल्टर संधि, जो कि यूरोप को यूरोप महाद्वीप को किससे जोड़ती है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से। ठीक है, अब आप ये याद रखेंगे। इसके अलावा अब आप देख रहे होंगे इसके ऊपर जो पड़ रहा है वो पड़ रहा है फ्रांस पड़ रहा है, ये आपका फ्रांस है, ये यहाँ पे जर्मनी हो गया। ठीक है, तो आपको अब सब मैंने चारों कंट्री आपको यहाँ पे दिखा दी है। देखिए राइन तो आपको पता होगा कि मैंने दिखाया भी था, देखिए ये लोकेशन यहीं पे है, यहाँ से ये पड़ती है जर्मनी में लगभग यहाँ पे पड़ती है, और जो रॉन रिवर है वो पड़ती है अपनी फ्रांस में लगभग यहाँ से ये गुजर रही है, ये वाली ये रॉन रिवर है। ठीक है, रॉन है,
और इनके मध्य जो कैनाल बनी है वो यहाँ से बनी हुई है, यहाँ से नहर निकाली गई है लगभग यहाँ से, जो ये मतलब ये इस वाला रीजन है। एग्जैक्ट लोकेशन इसमें नहीं मालूम पड़ पा रही है अभी, अगर आप अपने मैप पर देखेंगे तो आप पाएंगे तो ये यहाँ से कैनाल जोड़ निकाली जा रही है। फ्रांस से जर्मनी के मध्य जो कैनाल है वो राइन रोन कैनाल के नाम से जोड़ी जा रही है, ठीक है। इन दोनों नदियों को राइन रोन कैनाल बोल संयुक्त रूप से इन दोनों के नाम को ही लगा दिया, राइन रोन, ठीक है, राइन रोन, तो इन दोनों के नाम से बना दिया। और रोन नदी जो है फ्रांस की नदी है और राइन नदी जो है वो जर्मनी की नदी है, ये आप याद रखिए बेसिक डिफरेंस। तो यहाँ पे पहला वाला कथन भी सही है कि राइन उत्तर की ओर तथा रोन दक्षिण की ओर बहती है। देखिए राइन जो है वो उत्तर की ओर बह रही है, यानी कि अगर ऊपर देखा जाए ये नॉर्थ अटलांटिक सी में जाके निकलती है, और जो रोन है रोन कुछ नीचे की तरफ यानी कि भूमध्य सागर में अपना जल गिराती है रोन नदी, ठीक है। और इन दोनों नदियों को एक नहर के द्वारा जोड़ा गया है, ये जो दोनों नदियां हैं राइन और रोन इन्हें एक नहर के द्वारा जोड़ा गया है, ये वाला कथन भी सही है। यहाँ पे दोनों ही कथन सही है तो आंसर है सी यानी एक और दो दोनों। देखिए रोन पर एक बार नहर मैं आप और द्वारा डाल दे रहा हूँ, राइन आपने देख चुके हैं, रोन और मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए आप देख पा रहे होंगे रोन जो है ये नीचे की तरफ है, फ्रांस की मतलब इस साइड में है, नीचे की तरफ है, तो ये अपना जल जो है मेडिटेरियन सी में आगे गिराती है, जबकि जो राइन नदी है वो अपना जल जो है नॉर्थ सी में आगे गिराती है। रोन नदी जो अपना जल गिरा रही है ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा है ये अपना जल नीचे गिराती है, यानी कि यहां पर आगे गिराती है भूमध्य सागर में, ठीक है। 16वां प्रश्न है हमारा, माउंट ब्लांक निम्न में से किस पर्वत की चोटी है। देखिए माउंट ब्लांक जो है ये पूछा गया है सवाल, माउंट ब्लांक जो है वो आल्प्स पर्वत की चोटी है, ठीक है, आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, और आल्प्स पर्वत जो है आपका फ्रांस में पड़ता है ये, ठीक है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा आपको। देखिए ये रहा आपका, दिख रहे हैं ये पड़ रही है माउंट ब्लांक, ठीक है, ये जो चोटी है ये पीक जो है ये माउंट ब्लांक है, और ये पड़ता है जो जो आल्प्स पर्वत है फ्रांस और स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के मध्य पड़ता है ये, यानी फ्रांस स्विट्जरलैंड इटली इन तीनों के बॉर्डर के मध्य पड़ता है आल्प्स पर्वत। तो यहां पर मैं दिखा दे रहा हूं आपको जूम करके, ये रही आपकी माउंट ब्लांक, आप देख पा रहे होंगे चोटी को, ये जो चोटी है ये माउंट ब्लांक है, ठीक है। देखिए थोड़ा नेट स्लो चलता है इस वजह से मैं मैप प्रैक्टिस की वीडियो थोड़ी लेट आ पाती है आपकी, तो आप थोड़ा पेशेंस रखें, ये माउंट ब्लांक है, ठीक है। अब आप 360 व्यू में भी मैं दिखा दे रहा हूँ, ये माउंट ब्लांक है सबसे ऊंची चोटी है, कहाँ की चोटी है, आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है आल्प्स पर्वत की है, ठीक है, माउंट ब्लांक ये वाली, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे इस चोटी को। 17वां प्रश्न है हमारा, जो अभी हमने आल्प्स पर्वत देखा था, आल्प्स पर्वत उसी के संदर्भ में, उसके में सबसे ऊंची चोटी देख ली माउंट ब्लांक, अब आल्प्स पर्वत के बारे में हम जान लें कि आल्प्स पर्वतमाला के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यहाँ पे बताइए कि आल्पस यहाँ पे बताइए इसके बारे में कौन से कथन सही हैं। पहला है ये युवा मोड़दार वलित पर्वत है। देखिए आल्प्स पर्वत जो है वो एक वलित पर्वत का उदाहरण है, अगर आपसे कहीं पूछा जाए कि आल्प्स पर्वत किस में आता है तो आल्प्स पर्वत जो है वो आपके वलित पर्वत में आता है, ठीक है, आल्पस, ठीक है। तो पहला वाला कथन बिल्कुल सही है कि ये युवा मोड़दार वलित पर्वत है और ये यूरोप के दक्षिणी भाग में स्थित है, ये भी आप जान गए होंगे, यानी कि मैंने दिखाया था फ्रांस स्विट्जरलैंड और इटली के बॉर्डर पर, यानी कि यूरोप के दक्षिणी भाग में स्थित है ये। सेकंड है इसका निर्माण एटलस और रॉकी पर्वतों के निर्माण काल में हुआ है। देखिए जो आल्पस पर्वत जो आपका है इसका निर्माण जो है वो एटलस जो आपका पर्वत है और रॉकी जो पर्वत श्रेणी है इसके ही समतुल्य, यानी कि जो आपका एटलस जो पड़ता है वो पड़ता है अफ्रीका में पड़ता है एटलस पर्वत, और रॉकी जो पड़ता है वो उत्तरी अमेरिका का पर्वत पड़ता है, ठीक है। रॉकीज और एंडीज आपने पढ़ा, मैंने बताया था आपको, तो ये दोनों जो एटलस जो है वो आपका कहाँ है, एटलस पड़ता है अफ्रीका का और रॉकीज जो पड़ता है वो आपका पड़ता है उत्तरी अमेरिका में। तो इनका जब निर्माण हुआ यानी एटलस और रॉकीज के निर्माण के समय ही आल्पस पर्वत का निर्माण हुआ है, तो सेकंड वाला कथन भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। थर्ड है इस श्रृंखला का विस्तार एशिया में भी है। देखिए इसका विस्तार जो है पश्चिम में अटलांटिक महासागर से लेकर पूरब में कैस्पियन सागर तक इसका विस्तार देखा गया है, यानी कि वैज्ञानिकों ने यह कहा है कि पृथ्वी की सतह के अंदर ही अंदर इसका जो विस्तार है, जैसे कि आपने एक पढ़ते होंगे आपके जो आपका गारो खासी जयंतिया वाले जो पहाड़ हैं वो किसका विस्तार है वो आपसे पूछा जाता है, यानी झारखंड वाला जो पठार जो है यानी कि उसका ही हिस्सा है वो, ठीक है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो उसी का हिस्सा है, गारो खासी जयंतिया जो आपका मेघालय में जो पड़ता है आपके पर्वत जो श्रेणियां हैं वो इसी का ही हिस्सा है। ठीक इसी तरह से जो आपका आल्पस पर्वतमाला है, आल्पस पर्वतमाला इसी तरह से इसका विस्तार एशिया तक हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों ही कथन सही हैं, तो यह आंसर है डी यानी एक दो और तीन। आई थिंक मैं नहीं समझता हूँ, अभी इसे दोबारा दिखाना सही है, देखिए टाइम जितना हो सके हम बचाएं,
जो आल्पस पर्वत मैंने दिखा दिया, लोकेशन इसकी एग्जैक्ट दिखा दी है आपको, तो अब दोबारा मैं नहीं दिखाना चाहता। 18 यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्न में से किस पर्वत श्रेणी में है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो कौन सी रेंज पर है। देखिए यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है वो काकेशस पर्वत श्रेणी में स्थित है। काकेशस पर्वत श्रेणी है, यानी कि सबसे ऊंचा जो पर्वत श्रेणी जो है वो काकेशस पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर है, ठीक है। और काकेशस पर्वत श्रेणी कार्पेथियन तथा प्रेनिज आल्पस पर्वतमाला की ये महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं, यानी कि आल्पस की ही श्रेणियां हैं। काकेशस, कार्पेथियन, प्रेनिज, ये सब आल्पस पर्वतमाला की श्रेणियां हैं। तो काकेशस पर्वत शिखर जो है सबसे ऊंचा है। तो अभी मैं दिखा दे रहा हूं, काकेशस पर्वत श्रेणी को आपको मैं दिखा रहा हूं। देखिए ये रहा हमारा जो है भारत, और यहां से हम चलेंगे तो मैंने बताया था कि हमारा जो यूरोप है एशिया से जो ब्लैक सी, कैस्पियन सी और यूराल पर्वत से अलग हो रहा है, यानी कि इसके नीचे वाला हिस्सा जो है वो हमारा एशिया का हिस्सा है, इसके ऊपर वाला यूरोप का हिस्सा है। तो कॉकेसस जो माउंटेन रेंज है ये आल्प्स पर्वतमाला का ही हिस्सा है, यानी कि एक तरह से आल्प्स पर्वतमाला का हिस्सा वैज्ञानिक से मानते हैं। जबकि आल्प्स पर्वतमाला तो कहाँ देखा जाए, फ्रांस, जो इटली, फ्रांस वगैरह में पड़ती है, लेकिन ये इसका ही हिस्सा है बोला जाता है आल्प्स पर्वतमाला। तो यहाँ पर ये है आपका कॉकेसस माउंटेन जो कि पड़ता है जॉर्जिया में, ठीक है। ये पड़ता है जॉर्जिया में, ये यहाँ पे पड़ता है जॉर्जिया में, ठीक है। और इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है कॉकेसस माउंटेन की वो है माउंट एल्बरूस। माउंट एल्बरूस जो है वो कॉकेसस माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी है। अब मैं चोटी भी आपको दिखा दे रहा हूं। आई एम सॉरी, मैं ये बोल गया कि जॉर्जिया में नहीं है। देखिए जॉर्जिया नीचे आ जाता है, ये पड़ता है रसिया में, ये जॉर्जिया में नहीं है। ये जो कॉकेसस पर्वत श्रृंखला है वो आपकी जॉर्जिया में नहीं है, बल्कि ये आ जाता है रूस में आ जाता है, ठीक है। तो और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एल्बरूस है, ठीक है। और हम मैं जूम करके अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जूम करके माउंट एल्ब्रूस आपको दिखा रहा हूँ, कॉकेसस माउंटेन है जो कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। ये रही आपकी, ये है माउंट एल्ब्रूस, आप देख पा रहे होंगे, आप माउंट एल्ब्रूस है ये। ये सबसे ऊंची चोटी है कॉकेसस पर्वत की, ठीक है। काकेसस या कॉकेसस कहीं कहीं लिखा देखते हैं, तो ये सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बरूस, ठीक है। यही यूरोप की सबसे ऊंची चोटी बोली जाती है, ठीक है, इस पर्वत रेंज की। तो यहां 18वें का आंसर है ए। अब आते हैं 19वें प्रश्न पर। देखिए 19वां प्रश्न है हमारा, ये देश दे रखे हैं और राजधानी हमसे पूछी गई है कि कौन सा देश है और उसकी राजधानी क्या है। देखिए पहला है सर्बिया। देखिए सर्बिया की जो राजधानी है वो है बेलग्रेड, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है। बोस्निया हर्जे गोविना, देखिए बोस्निया हर्जे गोविना की जो राजधानी है वो पड़ती है साराजीव। स्लोवेनिया की राजधानी जो है वो है लिजुब्लिजाना, लिजुब्लिजाना जो है स्लोवेनिया की है। क्रोएशिया की है जगरेब, क्रोएशिया की है जगरेब, ठीक है। तो यहां मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, यानी सर्बिया की है बेलग्रेड, बोस्निया हर्जे गोविना की है साराजीवो, और स्लोवेनिया की है लिजुब्लिजाना, और क्रोएशिया की है जगरेब। देखिए सर्बिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, ये खास करके ये जो ये तीन कंट्री ये हैं खास करके न्यूज में रहते हैं, ठीक है। लिजुब्लिजाना तो काफी बार पूछा भी जाता है, तो आप इन्हें याद रखिए। तो ये आंसर है बी, यानी ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। अब मैं कंट्रियों के लोकेशन दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए ये रहा आपका यूरोपियन कॉन्टिनेंट, और ये आपका जो सबसे पहला देश था वो था सर्बिया, ये पड़ता है सर्बिया, ये वाला कंट्री है सर्बिया, ठीक है। रोमानिया, बुल्गारिया और मैसेडोनिया, अल्बानिया, माउंटेग्रो और बोसानिया जो आपका जो कंट्री है ये वाला, हंगरी, ये और ये आपका क्रोएशिया, ये इन चारों से बॉर्डर बना रहा है, ठीक है, इनसे बॉर्डर बना रहा है ये वाला कंट्री आपका सर्बिया। तो इसकी राजधानी है बेलग्रेड। सेकेंड देश हमारा था बोस्निया और हर्जेगोविना, इसकी राजधानी है साराजेवो, ठीक है। अब तीसरा जो कंट्री था वो था जो स्लोवेनिया था, स्लोवेनिया की राजधानी है ये है लिजुब्लिजाना, ठीक है। स्लोवेनिया ये वाला कंट्री आपका पड़ता है, इसकी राजधानी जो है वो लिजुब्लिजाना, ये आपको दिख रही होगी लिजुब्लिजाना इसकी राजधानी है। और आपका क्रोएशिया की राजधानी जो है वो जगरेब है, ठीक है, ये आपका क्रोएशिया है। और ये जो कंट्री है यानी स्लोवेनिया, क्रोएशिया और आपका जो बोसनिया, हर्जे गोविना, ये जो कंट्री है ये अपना एड्रियाटिक सी में अपना मुहाना बनाते हैं, ठीक है।
और जबकि सर्बिया इसमें मुहाना नहीं बना रहा है। कहीं भी आपसे पूछ लिया जाए इसमें कौन कौन से देश मुहाना बना रहे हैं, देखिए स्लोवेनिया बना रहा है, क्रोएशिया तो बना ही रहा है आप देख रहे होंगे, और ये भी बना रहा है ठीक है, बोसानिया ठीक है, तो ये तीन कंट्री ऊपर से तो बना ही रहे हैं। इसके अलावा अन्य भी कंट्री है जैसे मॉन्टेनेग्रो है आपका, अल्बानिया है, ये अल्बानिया, मॉन्टेनेग्रो, बोसेनिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ये कंट्री आपके इसमें जो आपका एड्रियाटिक सी में अपना मुहाना बना रहे हैं। देखिए इस तरह के प्रश्न यूपीएससी परीक्षा में खास करके पूछ लिए जाते हैं ठीक है। 20वां प्रश्न है हमारा सूची एक और सूची दो यानी देश और राजधानी। देश है हमारा आपका जो है रोमानिया, देखिए रोमानिया का जो है वो है आपका बुखारेस्ट, सॉरी रोमानिया यहाँ नहीं लिख पाया हूँ, रोमानिया यहाँ आया ही नहीं है, यहाँ पे जायकवाड़ी लिख गया है, पता नहीं क्या लिख गया, ये जायकवाड़ी नहीं है, यहाँ रोमानिया कर लीजिए ठीक है, ये गलत लिख गया है मुझसे, यहाँ रोमानिया है, रोमानिया का जो है वो है बुखारेस्ट, यानी कि रोमानिया की है ये, रोमन की है ठीक है, रोमानिया की है बुखारेस्ट राजधानी। और हंगरी की है बुडापेस्ट, हंगरी की है बुडापेस्ट, ऑस्ट्रिया की है वियना, चेक रिपब्लिक की है प्राग। देखिए प्राग और परग्वे में बहुत अंतर है, परग्वे जो है वो दक्षिण अफ्रीका, सॉरी दक्षिण अमेरिकी कंट्री है, क्योंकि प्राग जो है एक शहर का नाम है और ये चेक रिपब्लिक एक कंट्री है, वहां की राजधानी है प्राग। कभी काफी बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मुझसे भी काफी बार लोगों ने पूछा है कि सर ये पराग्वे को ही प्राग बोल देते हैं क्या हिंदी में, हमें नहीं ऐसा नहीं है, पराग्वे अलग है, प्राग अलग है, प्राग एक शहर है, पराग्वे एक देश है ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं हुई है, तो यहाँ पे आंसर है ए, यानी कि आपकी रोमानिया की है बुखारेस्ट, हंगरी की है बुडापेस्ट, ऑस्ट्रिया की है वियना और चेक रिपब्लिक की है प्राग। एक बार मैं मैप में दिखा दे रहा हूँ चारों कंट्री, देखिए ये रहा हमारा यूरोप कॉन्टिनेंट, आप देख रहे होंगे ब्लैक सी में ये मुहाना बना रहा है, यानी कि एक स्थलरुद्ध देश नहीं है रोमानिया ठीक है, स्थलरुद्ध देश नहीं है ये, ब्लैक सी में अपना मुहाना बना रहा है यहाँ पे, तो ये रोमानिया, इसकी राजधानी है बुचारेस्ट ठीक है। हंगरी, हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, देखिए काफी बार कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि रोमानिया की बुचापेस्ट है, बुडापेस्ट है या बुचारेस्ट है, ये नाम ही दोनों के सिमिलर सिमिलर हैं, हंगरी की ये बुडापेस्ट है आपकी। ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वो बेना, ये आप देख रहे होंगे ये कंट्री लगा हुआ, ऑस्ट्रिया की है बेना, और ये ऊपर पड़ता है चेक रिपब्लिक जो कि जर्मनी, पोलैंड, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया इनसे घिरा हुआ देश है, यानी कि कितने कंट्रीज में बॉर्डर टच कर रहा है, ये कर रहा है एक जर्मनी से कर रहा है, पोलैंड से कर रहा है, स्लोवाकिया से कर रहा है, हंगरी से कर रहा है, ऑस्ट्रिया से कर रहा है, यानी कि पांच कंट्रियों से बॉर्डर टच कर रहा है जो आपका चेक गणराज्य जो है, और इसकी राजधानी है प्राग ठीक है। देखिए एक दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया है जो आपकी स्कोडा रैपिड कार है, स्कोडा रैपिड कार है वो यहीं से यहीं की है, यानी कि चेक गणराज्य की ही कार है स्कोडा रैपिड कार, वो प्रश्न पूछा भी गया है एग्जाम में, आई थिंक UP SSB में, SSB में पूछा गया है, किसी एग्जाम में देखा है मैंने क्वेश्चन, वो तो चेक रिपब्लिक की ही कार है स्कोडा कंपनी है ठीक है, स्कोडा रैपिड जो कंपनी है वो यहीं की कंपनी है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, ना पसंद आया हो डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक क्यों किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और आप लोग चीज़ों को शेयर जरूर करते रहिए, देखिए आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही मैं चल रहा हूँ, आप लोग कहते हैं छोटे वीडियो बनाओ, मैं छोटे वीडियो बना रहा हूँ, इसी वजह से मैंने आज 9 क्वेश्चन ही करवाए, मेरा तो मन होता है कि लगभग लेंथी वीडियो हो, लेकिन काफ़ी सारे लोग यही बोलते हैं कि सर हर कोई IAS की तैयारी नहीं कर रहा होता है, मोस्टली छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी करने वाले भी लोग ज़्यादा होते हैं, तो इतना लेंथी वीडियो IAS के लिए डेडिकेट बनता है वो तो देख सकता है, नॉर्मल बंदे के बस की बात नहीं है वो वीडियो देख पाए, तो मैं समझता हूँ उन लोगों की भावनाओं की मैं कद्र करता हूँ, तो इसी वजह से मैं मेरे वीडियो जो है 15 से 20 मिनट से ज़्यादा नहीं होते हैं, आई थिंक खिंचकर 30 मिनट तक पहुँच जाए, इससे ज़्यादा की वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ, तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक और शेयर जरूर करें, और आपकी कोई क्वेरीज या कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आके जरूर मुझे बताएं, मैं आपके आशा करता हूँ मैं सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश जरूर करूंगा, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।